देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है आलू नजाकत या तंदूरी आलू भी कह सकते हैं इन्हें। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। और ये मैंने दो तरह से बनाए हैं, एक तंदूरी मसाला मैरिनेट करके और एक तिल से कोट करके। देखिए दो तरह से बनाए हैं, ये तिल से कोट करके बनाए हैं और ये तंदूरी मसाला मैरिनेट करके उससे बनाए हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं, तो एक बार इन्हें ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू नजाकत तंदूरी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक पार्टी स्टार्टर बनाएंगे, आलू नजाकत या आलू तंदूरी कुछ भी कह सकते हैं। ये मैंने आलू धो लिए और इनको छील के अच्छे से धो लिया। ये देखिए, मैं ये देखिए इस तरह से अंदर से खोखला करेंगे। देखिए ये मैंने आलू, सारे आलूओं को ये देखिए इस तरह से जितना पतला कर सकते हैं अंदर से, जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उतना निकालिए, क्योंकि जित ज़्यादा इसमें से निकलेगा तो हम इसमें स्टफिंग ज़्यादा भर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बिना दीवार को, आलू की दीवार को तोड़े आप निकाल सकते हैं उतना निकालिए। और जो आलू थोड़ा सा अंश इवन शेप में हो उसे हम इस तरह से छील के इवन कर लेंगे। जैसे कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाता है, आलू की शेप अलग अलग आती है, तो हम उसको इस तरह से छील के, ये देखिए ये इधर से निकला हुआ गोल गोल, इसको हम इस तरह से, और इसको हम वेस्ट भी नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं इसे पानी में ही निकाल रही हूँ, अपनी स्टफिंग में ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को स्टफ करने के लिए ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें स्टफिंग भरी जाएगी। और ये देखिए ये इस साइड से भी बिल्कुल बंद है, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन बाई चांस कई बार हो जाता है आलू खाली करते समय। ये देखिए मेरा ये आलू है, ये इधर से भी हो गया और इधर से भी मैंने काटा तो ये निकल गया। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी आराम से स्टफ़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसकी आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए ये मैंने पानी गर्म होने रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी हल्दी। इसमें हम अपने ये आलू ब्लांच करेंगे, हमें उबालने नहीं है, केवल ब्लांच करने हैं। ये देखिए हमारे आलू ब्लांच हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि हमें गलाने नहीं आलू, केवल 50% गलाने हैं। और इस तरह से अब मैं इनको निकाल लूँगी और इनको हम इस तरह से करके रखेंगे जिससे कि पानी जो अंदर भर गया है वो निकल जाए। इस तरह से उल्टे रखेंगे और इनका पानी सूखता है, मैं उसके बाद दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले हम जो ये हमने आलू में से निकाला अंदर से खोखला करके, ये इसको छान लेंगे और एक सूखे कपड़े पे डालेंगे जिससे कि इनका पानी पानी सूख जाएगा तो हमें तलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। टावल पे डाल दूंगी और इस तरह से दबा दबा के सुखा लेंगे। दूसरी साइड मैंने तेल गरम होने रखा है जिसमें कि हम इनको तलेंगे और अपनी स्टफिंग में डालेंगे। जो ये मोटे मोटे पीस हैं इनको हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम अपने ये जो आलू हमने इनको हम तलेंगे और इतना तलेंगे बिल्कुल कुरकुरे हो जाएंगे ये। और देखिए ये आलू जो हमने आलू अंदर से खोखले करके अंदर से निकाले थे, इन आलूओं को हम बिल्कुल करारा होने तक तलेंगे और इसे हम अपनी स्टफिंग में मिलाएंगे। देखिए कितना करारा होना चाहिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए बिल्कुल करारा होना चाहिए, इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए। अब मैंने ये एक पैन रखा और इसमें मैं डालूँगी देसी घी और हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक और हरी मिर्च जो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं, हम लहसुन नहीं खाते तो मैं लहसुन नहीं डालती हूँ। और ये काम हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं करना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल स्लो भी नहीं, मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है। और जैसे ही हमारे ये अदरक और भुनता है हम इसमें डाल देंगे
ये बारीक चॉप करा एक प्याज। फिर हम अपने आलू के लिए स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। ये देखिए हमारे प्याज सौते हो गए। अब इसमें मैं ये डालूँगी बारीक कटी गाजर, बारीक कसी गोभी और ये हरी शिमला मिर्च। कलर्ड हो तो आप कलर्ड भी डाल सकते हैं, हमारे यहाँ कलर्ड नहीं मिलती हैं तो मैंने कलर्ड नहीं डाली है। और इसको अच्छे से सौते करेंगे। सब्जियों को हमें बस ज़्यादा गलाना नहीं है। ये देखिए सब्जियाँ हमारी हल्की हल्की सौते हो गई हैं। अब हम इसमें बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे हम नमक सीजनिंग के लिए, धनिया पाउडर आधा चम्मच, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और अमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, आपने देखा होगा मैंने जीरा नहीं डाला था, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पनीर, ये भी हमें ग्रेट करके या हाथ से क्रम्बल करके ही डालना है। बस हमें इतना भूनना है कि हल्दी का कच्चापन निकल जाए। और इसमें मैं डालूंगी ये मेरे पास काजू और बादाम, मैंने दोनों दरदरे पीस के रखे हैं वो डालूंगी। और ये थोड़ी सी किशमिश। और ये सब काम हमें गैस बंद करने के बाद ही करने हैं, फ्लेम ऑन नहीं होनी चाहिए। और ये हरा धनिया जो मैंने काट के धो के रखा है। और इसमें जाएगा ये चीज़, कसा हुआ चीज़। इसको हम अब ठंडा होने रख देंगे। ये देखिए ये आलू कितने, ये देखिए कितने करारे, आवाज़ आ रही होगी आपको, इतने करारे होने चाहिए। और इसे हम स्टफिंग में मिलाएंगे। और सबसे लास्ट में ये कसूरी मेथी, इसे मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया और हम इसे डालेंगे और अपनी स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इतने हमारी स्टफिंग ठंडी होती है कि इतने हम अपने आलू आगे तैयार कर लेते हैं। ये एक बॉल और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लोर भी कह सकते हैं, आप अपने आलू के हिसाब से लें। अगर आप आलू ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा लें, कम बना रहे हैं तो कम लें। और इसको हम, ये 1 चम्मच मैंने इसमें मैदा डाला और हल्का सा नमक डालूंगी। और इसकी हम एक स्लरी से तैयार करेंगे, लम्स फ्री। मैं मुझे केवल 2-3 आलू ही इसमें डिप करने हैं इसलिए मैं थोड़ी बना रही हूँ। आप ज़्यादा आलू बना रहे हैं तो ज़्यादा आलू की करिए, ज़्यादा मैदे को मिलाइए। मैंने 2 आलू के लिए ये बनाई है स्लरी। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए। ये आलू मैं आप तंदूरी आलू मैं आपको 2 तरह से बनाने बताऊंगी। बनाने के लिए मैं इनके अलग अलग 2 वीडियो भी बना सकती थी लेकिन एक ही चीज़ के 2-2 वीडियो बनाना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं एक में ही आपको सब बताऊँगी, दोनों तरह के बताऊँगी। मैंने स्लरी बना ली और ये है मेरे तिल सफ़ेद वाले। आप देखिए हमारे, हमने इनका पानी बिल्कुल सुखा लिया और इन्हें हमने ब्लांच करा था हल्दी वाले पानी में। देखिए पीले हो रहे हैं हमारे आलू। अब हम क्या करेंगे, और एक साइड मैंने तेल गर्म होना रख दिया है जिसमें कि हम अपने इन आलुओं को तलेंगे। तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए ये मैंने एक आलू लिया और इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी और इसमें अच्छे से डिप करेंगे, ऐसे अच्छे से डिप करेंगे ये। और फिर इनको इसी तरह से पकड़ के तिल में, जो हमने ये तिल लिए हैं इनमें घुमा देंगे। तिल जब बेक होके आते हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इस तरह से तिल से बिल्कुल इस पर कोट हो जाएंगे। और इसको मैं प्लेट में रख लेती हूँ। ऐसे ही मैं एक आलू और करती हूँ। इधर हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम अपने ये आलू, ये देखिए ये हमने तैयार करे थे, इनको तल लेंगे। तेल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा तेल होगा तो हमारे आलू भी गंदे हो जाएंगे। और इनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। वैसे हम इन आलुओं को ब्लांच भी कर रखा है लेकिन फिर भी हम इन्हें, जिससे कि तिल पक्के होकर इन पर कोट हो जाएं। देखिए कितने अच्छे से हमारे तिल चिपके हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पूरा आलू हमारा तिलों से कोट है।
ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल गोल्डन करें हमने अपने आलू, और इनको हम निकाल लेंगे। इनको हमें इस तरह से निकालना है कि नीचे की तरफ से जिधर से हमने इनका खोला है उधर ही से निकालना है, जिससे कि तेल अंदर भरा हुआ तेल निकल जाए। इसी तरह से मैं सारे आलू तल लेती हूँ। ये आलू हमने तिल लगा के तले हैं, और ये हैं सादा, इनको मैं दूसरी तरह से बना के दिखाऊंगी आपको, तो इनको भी मैं तल लेती हूँ। ये देखिए हमारे आलू तल गए हैं, ये हमने तिल लगा के तले हैं, ये देखिए। और ये हमारे सादा, इनको हम अलग ढंग से तंदूरी मसाला बना के लगाएंगे और तब बेक करेंगे। अब हम लेते हैं एक बॉल, इसमें मैं डालूंगी हंकड़। मुझे केवल दो आलू करने हैं, मैं उसी हिसाब से मैरिनेशन बनाऊंगी। ये देखिए इसमें मैं डालूंगी हल्का सा नमक, क्योंकि हमने स्टफिंग भी नमक वाली बनाई है। थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सौंठ पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें अदरक को नहीं डाला इसलिए मैं इसमें सौंठ पाउडर डाल रही हूँ। आधा चम्मच सौंफ पाउडर, और मैरिनेट जो किया जाता है उसमें पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस समय मेरे पास ताज़ा पुदीना नहीं है, तो मैं ये सूखा पुदीना डाल रही हूँ आधा चम्मच। थोड़ा सा काला नमक, ये थोड़ा सा चाट मसाला जो बाज़ार से आता है, मैगी मसाला मैजिक वाला, ये मैंने घर पे ही बनाया है। मैं ये मेरा घर का ही बनाया हुआ है। इसमें सब तरह के मसाले मिले हुए हैं, इसलिए मैंने मसाले कोई खास ज़्यादा इसमें डाले नहीं है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला। और अगर आप बाई चांस आपका हंकड़ पतला है तो आप इसमें भुना बेसन, या तो भुने चने का पाउडर लें या भुना हुआ बेसन को ड्राई रोस्ट कर लें फिर डालें। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप इसमें सत्तू पाउडर भी डाल सकते हैं, सत्तू पाउडर भी चने से बना होता है। तो मैं इसमें ये एक चम्मच, मेरा मैरिनेशन वैसे ठीक है, मैं केवल आपको दिखाने के लिए डाल रही हूँ। देखिए मेरा कितना गाढ़ा है। और अगर आपको इसका कलर डार्क चाहिए रेड, तो आप इसमें कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, या फिर खाने वाला जो तंदूरी रंग आता है वो भी डाल सकते हैं। आप चुकंदर पाउडर, जो पाउडर बना के रखा है मैंने आपके साथ शेयर भी किया है वीडियो, वो भी डाल सकते हैं। और ये मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी जो मैंने तवे पे भून ली है। देखिए मैं अब इस मैरिनेशन में हम डालेंगे दो चम्मच तेल, मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, आप जो डालना चाहें वो डालें, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कलर के लिए अगर आपको तंदूरी कलर चाहिए तो आप या तो कश्मीरी लाल मिर्च डालिए या तंदूरी कलर जो आता है वो डालिए, लेकिन मैं हेल्दी ऑप्शन यूज़ कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें, ये मैंने चुकंदर का पाउडर बना के रखा है सुखा के, बीटरूट को उसे पीस के रखा हुआ है, मैं ये डालूँगी। ये देखिए, और इसे मैंने पानी में भिगो लिया, क्योंकि मेरा मैरिनेशन पतला नहीं है इसलिए मैं इसे पानी में मिला के डाल सकती हूँ, और इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारा। और अब हम अपने मैरिनेशन को थोड़ी देर के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए, और इसका चुकंदर का कलर भी आ जाएगा इतने इसमें। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। हम देखिए हमारे मैरिनेशन में कितना अच्छा नेचुरल कलर आ गया, बिल्कुल डार्क रेड नहीं आ सकता, उससे पिंक सा ही कलर आता है, लेकिन फिर भी हमारा ये देखिए कितना अच्छा रेड कलर हो गया। अब हम अपना आगे का काम करते हैं। ये हमने जो आलू तले थे तिल लगा के, ये सादा, तो हम इनमें, और ये हमारी स्टफिंग। तो चलिए अब हम अपनी स्टफिंग भरते हैं। स्टफिंग को एक बार हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, देखिए कितनी टेस्टी और अच्छी स्टफिंग तैयार। और इसके हम ऐसे पतले पतले रोल बना लेंगे, और इसको हम देखिए आलू में इस तरह से डालेंगे, और हमें दबा दबा के भरना है, ये नहीं कि एक साथ बस लिया और
भर दिया और थोड़ा केयरफुली, क्योंकि हमारे आलू टूट भी सकते हैं, जितना आप आराम से दबा दबा के भरेंगे, क्योंकि स्टफिंग से ही ज़्यादा टेस्ट आएगा हमारे आलू खाने में। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलू का पेट ना फट जाए, इतना ज़्यादा भी नहीं भरना चाहिए हमें, हमारे आलू फट जाएं। जो ये देखिए कितने के हमने सारे आलू स्टफ़ कर लिए हैं, ये जो हमने तिल लगा के बनाए, और ये सादा जो हमारे सादा आलू हैं, हम इन पे मैरिनेट करेंगे, इनको अच्छे से कोट करेंगे मैरिनेशन से। इसी तरह से मैं सारे आलू कोट कर लूँगी और इसे हम 10 मिनट तक रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद हम अपने आलू, तंदूरी आलू बेक करेंगे। देखिए मैंने आलू पे बहुत अच्छे से मैरिनेशन लगा लिया, अब इसे हम 10 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएं। और जो हमने ये तिल लगा के करे हैं, इनको मैंने मैरिनेट नहीं किया है, इनको हम ऐसे ही बेक करेंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए मैंने ग्रिल करने के लिए ये इस तरह से अपने आलू, एक शिमला मिर्च का पीस लगाया और एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, और इस तरह से स्टोवेस में डाल दिए। ऐसे ही मैं सारे डाल लूँगी। आप ज़रूरी नहीं है आप शिमला मिर्च लगाएं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। और ये जो हमने मैरिनेट करके रखे थे तंदूरी, इसको भी ऐसे स्टोर में लगा के, और इसमें मैं ऊपर से नींबू लगा रही हूँ। ये देखिए तंदूरी मसाला अच्छे से लगना चाहिए। स्टूअर्स छोटे हैं तो एक एक लगाइए, बड़े हैं तो दो दो लगा लीजिए। बस साइडों में कुछ ना कुछ ज़रूर लगाइए, चाहे आप इसमें आलू लगाएं, नींबू लगाएं, शिमला मिर्च लगाएं, कुछ भी लगाएं, पर लगाएं ज़रूर। अब मैं इन्हें ओवन में बेक होने के लिए रखूँगी। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है। ये देखिए इस पर जाली पे इस तरह से रखूँगी और इन्हें हम 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ग्रिल मोड पे करके रख दिए हैं और 10 मिनट तक हम इन्हें ग्रिल करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या होने की। ये देखिए हमारे कितने अच्छे से ग्रिल हो गए हैं, बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। ये देखिए तंदूरी पूरे बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा बना है, बिल्कुल करारा हो गया है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कितने अच्छे हमारे तंदूरी आलू बने हैं। ये आलू जो हमने तंदूरी मसाला मैरिनेट करके बनाए, और ये आलू जो हमने तिल से कोट करके बनाए। ये देखिए ये हमने तिल से कोट करे। मैंने आपको दो तरह से तंदूरी आलू बनाने बताए। ये देखिए ये मैंने रखी है हरी धनिया पुदीने की चटनी, जो हम घर पे बनाते हैं नॉर्मल, और ये मैंने डिप बनाई है दही में, हंग कर्ड में, शेजवान सॉस और टमाटर प्याज काट के मिक्स करे हैं। हमारी ये हंग कर्ड से बनाई है ये डिप मैंने, और अब हम साइड में रखेंगे ये ऑनियन स्लाइसेस। वैसे ये अपने आप में पूरा बहुत तीखे हैं, मसालेदार। लेमन स्लाइस। कितने बढ़िया हमारे तंदूरी आलू तैयार हुए हैं। ये मैंने आपको एक रेसिपी में ही दो तरह से तंदूरी आलू बनाना बता दिया। इन्हें हम नज़ाकत आलू भी कहते हैं और तंदूरी आलू भी कहते हैं। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप किस तरह से बनाते हैं। मैं भी उस तरह से बनाने की कोशिश करूंगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।